आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, सो हियर क्वेश्चन इज इफ साइन एक्स प्लस साइन वाई प्लस साइन जेड इज इक्वल टू जीरो एंड कॉस एक्स प्लस कॉस वाई प्लस कॉस जेड बराबर जीरो, देन प्रूव दैट कॉट एक्स प्लस वाई बाई टू बराबर कॉट जेड एंड कॉस एक्स माइनस वाई बाई टू इज इक्वल टू प्लस माइनस टू। ओके, नाउ सबसे पहले देखते हैं हमें क्या दिया हुआ है। तो हमें दिया हुआ है कॉस एक्स प्लस कॉस वाई प्लस कॉस जेड, ये बराबर हमें जीरो के बराबर दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें पता है कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर हमारा कितना होगा, पाई। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमें जेड की वैल्यू क्या मिल सकती है, जेड वैल्यू आ जाएगी हमारी पाई माइनस, ठीक है, एक्स प्लस वाई इन ब्रैकेट। ओके, सो यहाँ से हम क्या ले सकते हैं कि हम यहाँ से ले सकते हैं कॉस एक्स प्लस कॉस वाई, कॉस एक्स प्लस कॉस वाई बराबर आ जाएगा माइनस का कॉस जेड, और जेड की जगह पे हम ले सकते हैं पाई माइनस एक्स प्लस वाई इन ब्रैकेट। ओके, सो हमें पता है कॉस एक्स ऑसियंस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, तो सो नाउ यहाँ से कॉस एक्स प्लस कॉस वाई हमें कितना मिल जाएगा, ये बराबर आ जाएगा हमारा, हमें पता है यहाँ से कि कॉस, यहाँ पे देख लो, कॉस पाई माइनस थीटा ये जो होती है वैल्यू, वो माइनस कॉस थीटा के बराबर होती है। ओके, सो यहाँ से हम क्या ले सकते हैं, ये हमारा आ जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई ना। ओके, सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको अगर हम सी बोल दें और इसको हम अगर डी बोल दें तो ये हमारा कॉस सी प्लस डी का फॉर्मूला लग जाएगा। तो कॉस सी प्लस कॉस डी, इसका फॉर्मूला होता है दो कॉस सी प्लस डी बाई टू मीन्स एक्स प्लस वाई बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू मीन्स एक्स माइनस वाई बाई टू, दैट इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस वाई। ओके, सो हम इसको इक्वेशन नंबर वन बोल देते हैं। ना हमें दूसरी चीज क्या दी हुई है, साइन एक्स प्लस साइन वाई प्लस साइन जेड इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से हमें साइन एक्स प्लस साइन वाई इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, माइनस साइन जेड, और माइनस साइन जेड की जगह पे हम लिख देंगे पाई माइनस एक्स प्लस वाई। ओके, सो ना हमें यहाँ पे पता है कि साइन पाई माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा बराबर हमारा ओनली ऑन साइन थीटा होता है। सो यहाँ से हम क्या ले सकते हैं नेक्स्ट लाइन में, ये हमारा आ जाएगा साइन सी प्लस साइन डी, अगर मैं इसको सी बोल दूँ इसको डी बोल दूँ, इसका फॉर्मूला होता है टू टाइम्स ऑफ साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू मीन्स एक्स माइनस वाई बाई टू, दैट इज इक्वल टू माइनस, ये आ गया हमारा साइन एक्स प्लस वाई। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, दो से मल्टीप्लाई एंड टू से डिवाइड कर रहा हूँ, तो ये साइन टू थीटा हो गया, और साइन टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन टू थीटा इज इक्वल टू होता है हमारा टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ना इस फॉर्मूले का अगर हम यहाँ पे यूज कर लें तो हमें क्या मिल जाएगा, नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा हमारा दो साइन एक्स प्लस वाई बाई टू इंटू कॉस एक्स माइनस वाई बाई टू इज इक्वल टू माइनस, ये कितना हो जाएगा टू साइन एक्स प्लस वाई बाई टू। ओके, ये थीटा का काम कर रहा है, तो टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो ये आ जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई बाई टू। नाउ अगर देखा जाए तो कॉस एक्स प्लस वाई बाई सॉरी देखा जाए तो टू साइन एक्स प्लस वाई बाई टू और टू साइन एक्स प्लस वाई बाई टू कट जाएगा। ओके, सो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा कि कॉस एक्स माइनस वाई बाई टू इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स प्लस वाई बाई टू। ओके, इसको इक्वेशन नंबर टू बोल देते हैं। अब अगर हम इक्वेशन नंबर वन की बात करें तो इक्वेशन नंबर में वन में हम क्या करने वाले हैं, एल एच एस को तो ऐसे ही लिख देंगे, तो एल एच एस हमारा कितना है टू कॉस एक्स प्लस वाई बाई टू इंटू कॉस एक्स माइनस वाई बाई टू। ओके, ना इधर अगर देखा जाए तो ये हमारा क्या दिया हुआ है इक्वेशन नंबर टू में कॉस एक्स प्लस वाई बाई टू, तो यहाँ पे अगर मैं दो से मल्टीप्लाई और दो से डिवाइड कर दूँ तो कॉस टू थीटा हो जाएगा। ठीक है, थीटा हम एक्स प्लस वाई बाई टू को अगर थीटा बोलते हैं तो कॉस टू थीटा, और कॉस टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है,
वो होता है हमारा 2 cos² θ-1। तो 2 cos² और थीटा की जगह पे हमारा एक्स प्लस वाई बाई टू हो गया, तो 2 cos² θ-1। ओके, सो यहाँ पे अगर मैं cos x-y/2 को t मान लूँ, ओके, अगर cos x-y/2 को मैं t मान लूँ, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2। अच्छा, cos x+y/2, यहाँ से देखो इसकी वैल्यू -t के बराबर हो जाएगी, तो ये 2 × -t × ये t के बराबर हो गया, इज इक्वल टू ये 2 × ठीक है -t² - 1। नाउ इफ वी सॉल्व दैट देन वी गेट ये 2t² हो जाएगा, ठीक है, इधर से -2t² आएगा तो वो प्लस, इधर आने के बाद +2t² हो जाएगा, इज इक्वल टू ये -1 उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा। सो हेयर वी कैन गेट t² = 1/4। नाउ t = क्या आ जाएगा हमारा, +-1/2, ठीक है, और t हमने किसको मान रखा है, cos x-y/2, तो cos x-y/2 इज इक्वल टू हमें कितना मिल गया, +-1/2। ओके, सो ये हमारा पहला प्रूफ हो गया, ठीक है, हमें यहाँ पे दो चीज प्रूफ करने थे, ये तो दूसरा प्रूफ हो गया, पहला है cot x+y/2। सो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो कि ये जो हमारी वैल्यू आई है ना इक्वेशन नंबर 1, x+y की जगह पे हम क्या ले सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे देखो x+y की जगह पे हम यहाँ से देखो, ठीक है, ये वाली चीज, तो इसको तो हमने ये लिख दिया, तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि 2 cos x+y/2 × cos x-y/2 इज इक्वल टू, तो यहाँ पे हमने LHS लिख लिया, ठीक है, LHS को यहाँ पे सॉल्व करके लिखा था, तो LHS ये हो गया, RHS जो हमारा cos x+y है, ठीक है, तो यहाँ पे x+y की जगह पे हम क्या ले सकते हैं, π-z, और cos हमें पता है π-θ बराबर -cos θ आता है, तो ये -cos z आ जाएगा कि नहीं आएगा, तो ये आ जाएगा -cos z। इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 बोल देता हूँ, ठीक है, और उसी तरीके से यहाँ पे देखो हमने जब सॉल्व किया था ये वाली वैल्यू, ठीक है, 2 sin x+y/2 × cos x-y, तो ये किसके बराबर आता है, -sin x+y, ठीक है, तो x+y की जगह पे क्या ले सकते हैं, ये हो गया -sin x+y की जगह पे हम ले सकते हैं π-z, और हमें पता है कि sin π-θ इज इक्वल टू sin θ, मतलब ये आ गया -sin z के बराबर आ जाएगा। सो इस वाले इक्वेशन से भी हम लिख लेते हैं क्या कि 2 sin x+y/2 × cos x-y/2, x-y/2 इज इक्वल टू ये आ गया -sin z। ओके, इसको अगर हम इक्वेशन नंबर 4 बोल दें, तो अगर हम 4 को डिवाइड कर दें, क्या कर दें, 4 को डिवाइड कर दें, या फिर हम क्या करें 3 / 2 कर दें, 4 कर दें, तो हमें यहां से क्या मिल जाएगा, इसको इसको हम डिवाइड कर दिया, तो देखो 2 से ये 2 कट जाएंगे, ठीक है, ये वाली वैल्यू हमारी इस वाली वैल्यू से कट जाएगी, इधर हमें मिल जाएगा cot x+y/2 इज इक्वल टू, इधर माइनस से माइनस कट जाएगा और ये आ जाएगा हमारा cot z के बराबर, तो हमें यही वाली वैल्यू फाइंड करनी थी कि cot x+y/2 इज इक्वल टू cot z, तो ये हमने यहाँ से ये वाली चीज प्रूव कर दी, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।